अस्सलाम वालेकुम, इश्मी डॉक्टर आलिया आहद और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल आस्क आलिया आहद में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मंगनी के बाद अगर लड़का और लड़की हम बिस्तरी कर लेते हैं तो उनके दरमियान क्या मामला होगा। जिससे मंगनी हुई हो उससे शादी से पहले अगर हम बिस्तरी कर ली जाए तो क्या जायज़ और हलाल है। वाज़े रहे कि मंगनी की शरण कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शरई तौर पर यह एक निकाह का वादा होता है कि आइंदा आने वाले वक्त में इस लड़के का इस लड़की के साथ निकाह होगा और इसे हम माशरती तौर पे अनाउंसमेंट कहते हैं। ठीक है कि इस ये लड़की इसके नाम पे अब बैठ गई है या अब इसके रिश्ते होने की कोई सूरत हाल नहीं होती। लेकिन जिस तरह मंगनी के बाद दीगर लड़कियाँ उस लड़के लिए नामहरिम होती हैं, बिल्कुल इसी तरह मंगेतर भी उसके लिए नामहरिम ही है और नामहरिम लड़कियों से ताल्लुकात रखना, मिलना जुलना कतन तौर पर जायज़ नहीं है। हंसी मजाक या बग़ैर ज़रूरत बातचीत करना, मैसेजेस या फेसबुक वगैरह पर ताल्लुकात कायम करना सब नाजायज़ और हराम है। अगर बहुत जल्दी है तो निकाह कर लीजिए, लेकिन निकाह से कबल मंगेतर से हम बिस्तरी करना सना की वजह से नाजायज़ व हराम है। आपको पता है इसकी शरई सज़ा 200 करोड़ है, लिहाजा मंगनी को तूल देने के बजाय अगर कुछ ऐसी ही तबीयत में बेचैनी है तो जल्द से जल्द निकाह कर लिया जाए। मज़ीद मेल फीमेल इशूज़, मैरिड लाइफ इशूज़ या फिर दीनी मसाइल के हल के लिए मेरा चैनल आस्क आलिया आहद पे अपने सवाल कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि अपने सवाल के जवाब वीडियो या कमेंट के थ्रू दूँ। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।